एक हॉल तो लेना पड़ेगा क्योंकि बम की बजी पड़ी है। सुबह के टाइम भी देखा है और आज यू नो रात के टाइम भी देख रहा हूँ यहाँ पर एक। तो मैंने फिश थाली ऑर्डर की, यश ने चिकन थाली, मूड ऑफ करके जा रहे, पुलिस आई सबको भगा दिया। मतलब ये बागा बीच रात के वक्त पूरा हैपनिंग, बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह चल रही है। तो गाइज अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं कोकन रीजन में और यहाँ से पंजिम और भी 96 किलोमीटर से। यश को स्टोरी निकालनी थी इसीलिए रुका, तो सोचा ब्लॉग में भी बता दूँ। और भी मतलब 96 किलोमीटर है हम लोग को और मालवन 92, मतलब पहले मालवन आएगा उसके बाद पंजिम आएगा। तो है अभी आराम आराम से जाएंगे, बहुत ऑफ रोड था, अभी कहीं जाके अच्छा रास्ता मिला है। अभी अच्छा रास्ता मिला है तो सोच रहा हूँ अच्छे से क्रूज करूँ और जो टाइम गूगल मैप बता रहा है उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करूँ। और एक हॉल्ट तो लेना पड़ेगा क्योंकि बम की बजी पड़ी है। दोनों जेब तो अंदर डाल। हो गया डन। नहीं भूख नहीं है गाइज। अभी हम लोग है सावंतवाड़ी में, ये देखो सावंतवाड़ी बस स्टॉप सामने, ये रही अपनी बाइक। और यहाँ से और भी हमें कैलंगेट बीच के लिए कितना, डेढ़ घंटा बता रहे, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर्स की रनिंग है। और भी फटिक नहीं हुआ, बस बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा है, हल्का हल्का सा, तो वो पेन बढ़ने से पहले कैलंगेट पहुँच जाऊँ यही विश है। बाकी सब तो चिल है, यहाँ पर मस्त लगा है। यहाँ पर यश वड़ा पाव खाने गया था, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं तो मैं सामान की रक्षा कर रहा था। दोनों हेलमेट यहाँ पर है, बाइक है यहाँ पर। तो गाइज रुकने का कोई प्लान नहीं था, बस आपको दिखाना था सावंतवाड़ी का ये व्यू। रात के टाइम देखो कितना खूबसूरत दिखता है और मैं खुद को यू नो बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ क्योंकि मैंने ये सुबह के टाइम भी देखा है और आज यू नो रात के टाइम भी देख रहा हूँ। यहाँ पर एक जुआड़ा है जो कि अभी विजिबल नहीं हो पा रहा पर बहुत खूबसूरत है। और ये व्यू तो देखो गोप्रो जस्टिस नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा शांत है, सब लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी फ्रेंड्स के साथ। और अभी हमें और आगे जाना है, स्क्रैच पड़ेगा रे गाड़ी पे, हाँ गोवा में पहले दिन आया मेरे गाड़ी पे स्क्रैच मत मार, रहने देना बाद में निकलते यार, मिली ना पड़े, हाँ मिल आएंगे फिर से, निकल फिर तू। तो गाइज फाइनली गोवा में एंटर हो चुके हैं और बागा बीच के पास जहाँ पर मैं हमेशा ठहरता हूँ वहीं पे होटल लिया है। अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है, सबसे पहले फ्रेश होंगे और उसके बाद खाने का सोचते हैं कुछ तो। और ये देखो रजत और सागर को कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। रजत और सागर अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कुछ याद आया, ये देखिए वहाँ पर थी हमारी रूम जब हम तीनों आए थे ऊपर ये वाली। आज मैं और यश इस रूम में रुकेंगे। तो गाइज रूम टूर देने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, कल का व्लॉग देखना है, तब जाके आप इस स्टोरी से कनेक्ट हो पाओगे। और जिन्होंने कल का व्लॉग देखा है स्वागत है आप सभी का हमारे आलिशान रूम में। भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया यार। ऐसी कुछ हमारी रूम है, छोटी सी है, प्यारी सी है, सिंपल सी है, पर नीट एंड क्लीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे और यश के लिए थी वो थी वॉशरूम, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम क्लीन है, कोई भी टेंशन नहीं। पर पता नहीं उन लोगों ने हमें ये वाला सिस्टम क्यों दिया है। अब हम कपल थोड़ी जो है पर्दा लगा के नहाना पड़ता है। गियर्स कपड़े जो पहन के आए थे वो यहाँ पर रखे, हेलमेट्स वगैरह हमारे वहां पर है। प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी हमें जाना है खाना खाने क्योंकि दोनों ने सुबह से लंच ही नहीं किया, दो वड़ा पाव खाए थे, चाय तीन चार चाय हो गई थी, उसके अलावा हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि राइडिंग के टाइम मेरा ज्यादा खाने का मूड नहीं होता। सच्ची मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और यश का कहना है कि यश पहली बार गोवा है तो यश का कहना है कि एक्सप्लोर करते, मेरा एडिटिंग का काम बाकी है, सब कुछ बाकी है, फिर भी अभी इतनी दूर आए। वैसे तो हम लोग कल सुबह निकलने वाले गोकर्णा के लिए, पर उसके लिए थोड़ा सा नाइट आउट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मैं भी करूंगा, वो भी करेगा, फिर रात में वीडियो एडिट करके डाल दूंगा। ये बंदा आया पूरा गोवा प्रिपरेशन करके, देखो दिखा एक बार, दिखा लुक, दिखा ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और ये देखो शूज भी लाए, क्रॉक्स भी लाए, मैं लाने वाला था चप्पल पर भूल गया, अब यही
जिसे बेटे शूज पहनने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, बताना। अरे बाबा वो स्टोरी तो छोड़ो, ये कार्ड रीडर भूल गया था मैं, तो रूम में आया फाइल ट्रांसफर करने के लिए, मैं कार्ड रीडर ढूंढ रहा था, कार्ड रीडर मुझे बैग में मिला नहीं, मैं फिर से मार्केट में गया और मार्केट से ये लेके आओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी चाहे कुछ भी भूल जाओ, मैं बोला था वही पे बोला था मैं कि घाई घाई में मैं भूल जाऊंगा, और मैं भूल ही गया, पर मैंने जुगाड़ कर लिया, थैंक गॉड। इतना खुश हुआ ये मिलने के बाद, ऐसा लगा मुझे यू नो जन्नत मिल गई। तो गाइज बॉडी में इतनी भी जान नहीं है कि मैं एक्साइटमेंट दिखाऊं, पर मैं एक्साइटेड हूँ। पहले एक बार अंदर खाना जाने दो, उसके बाद एक्साइटमेंट देखो। कहीं तो नॉर्मल थाली खाएंगे, फिश थाली खाने का मूड हुआ है मेरा, यश को चिकन थाली खानी है, तो यहाँ पर ही अभी ज़्यादा कुछ ट्राई करने की यू नो मेरे में कैपेसिटी नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एक अच्छा सा छोटा सा ढाबा कहो या होटल कहो, वहाँ पर अच्छी थाली मिलती है, तो यश को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। आई होप आपको गाना सुना, किसी के कमियों पर हंसना नहीं चाहिए, पर इतना बेसुरा कौन गाता है यार, इतना बेसुरा यार, मेरे से भी बेसुरा गा रहा है, मुझे लगा मेरी आवाज़ खराब है, पर मेरे से उसकी आवाज़ खराब है, ऊपर से वो क्या ट्यूनिंग भी किया फिर भी आवाज़ खराब आ रही है। अगर आप दिन भर खाना ना खाओ और रात के वक्त आपको ऐसी थाली मिले खाने के लिए, मैंने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया, पर मुझे पता है टेस्ट यहाँ की, मैं 2-3 बार खा चुका हूँ। कैसा है चिकन, बढ़िया ना? तो मैंने फिश थाली ऑर्डर की, यश ने चिकन थाली, टूट पड़ते गाइज अब इसके ऊपर, बहुत मुझे तो बहुत भूख लगी है अभी। तो गाइज अगर आप कभी बागा बीच कैलंगेट बीच के पास आओगे, ये नाम ज़रूर सर्च करना, आपको अच्छा खाना खाना है, बजट में खाना है, बजट की छोड़ो, बजट की कुछ नहीं, पर टेस्ट में अगर कुछ अच्छा खाना है तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करो। अब ये मैं नहीं, यश भी कह रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर अब भी जो खाया पेट भर खाया मैंने। डिनर तो हो गया हमारा, अब कल हम लोग रुकेंगे या नहीं रुकेंगे वो हमारा फिक्स नहीं है, तो सोचा अगर नहीं रुके तो इतनी दूर गोवा में आए, यश को जो यहाँ की शान है बागा बीच कैलंगेट बीच, उसमें से एक बागा बीच तो दिखा देते। ये बागा बीच रात के वक्त पूरा हैपनिंग, बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह चल रही है, जो कि अपने कोई काम की नहीं, यश को बोला डांस करना है कि, तो अंदर जाने के लिए पैसे देने पड़ते, पैसे दे के कौन नाचता है, हमने नाचते पैसे दे के, हम ऐसे ही नाच देते, ये बाहर ही नाच दूंगा मैं सैंड के ऊपर, पैसे दे के क्यों नाचूं मैं। पर ये देखो क्या बढ़िया नज़र आ रहा है, और ये सामने समंदर जो कि विजिबल नहीं हो पा रहा है, पर ये देखो ये लाइन देखो पूरा। चल तो गाइस कितना, 12 बजे ना, चल 12 बज गए गोवा बागा बीच की हैपनिंग पार्टी खत्म हो चुकी है, सब लोग मूड ऑफ करके जा रहे, पुलिस आई सबको भगा दिया, मतलब भगा नहीं दिया, म्यूजिक सिस्टम बंद करवा दिया। गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 8:30, वैसे तो 7 बजे उठा हूँ मैं, उठते साथ एडिटिंग के लिए बैठा था, यश अभी तक रूम में सो रहा है, तो अभी आया था मैं ब्रश लेने के लिए, क्योंकि मेरा टूथब्रश जो है मैं घर पे भूल गया, और बिना फ्रेश हुए मैं एडिटिंग के लिए बैठा था, अभी जाके मुझे याद आया कि मुझे फ्रेश भी होना है, उसको थोड़ा घुमा लेता हूँ, पर यश उठ ही नहीं रहा, सोया है ब्लैंकेट लेके एसी लगा के। वॉट अ मॉर्निंग यार, वॉट अ मॉर्निंग, गोवा वाले वाइब्स है फुल ऑन शांति, मुझे नाइट लाइफ से गोवा की मॉर्निंग लाइफ ज़्यादा पसंद है, चिल वाइब्स है, एकदम चिल वाइब्स है। चलो पहले फ्रेश होते फिर देखते आगे क्या कर। तो गाइस टूथब्रश तो मुझे मिला नहीं, तो चला लिया काम, और अभी यश मुझे सजेस्ट कर रहा है कि नहाते नहीं है, बिना नहाते निकलते गोकर्ण के लिए, मैं वड़ा पाव खाया ना सुबह, तो अभी मेरा मूड नहीं है। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे करनी है पैकिंग, अभी हमारे पास 1 ही घंटा है और 1 घंटे में हमें चेकआउट करना है, और इसके आगे की जो जर्नी होने वाली है भाई, राइड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, डेस्टिनेशन के लिए नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा कोस्टल रूट लगने वाला है, अभी जाते वक्त टाइम लगेगा, क्योंकि हमें देखो अभी एक्सप्रेस हाईवे नहीं, हम जैसा सावंतवाड़ी से कैसा गोवा में आए, वैसे अभी हम लोग गोवा से गोकर्ण जाने वाले हैं, जो लोकल स्ट्रीट होते हैं उनके थ्रू जाने वाले, उन रास्तों के थ्रू जाने वाले, लोकल स्ट्रीट जो होती है ना वहाँ के वाइब्स अलग होते हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बस एक ही चीज आपके साथ होती है, आपको बहुत सारे खड्डे मिलते हैं और आपकी स्पीड बहुत कम होती है, पर चलेगा, स्पीड टाइम है हमारे पास 4 बजे तक चलेगा ना, चलेगा
गोकर्ण 4 बजे तक भी हम लोग पहुंचते तो कोई टेंशन नहीं। तो बस अभी हमें पैकिंग वगैरह करनी है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो आपका दिल से शुक्रिया। नया हो तो सब्सक्राइब करो, अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक करना प्लीज ना भूले। सो टिल देन कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड करो कुछ ऐसा जो तुम बहुत दर से खुशी दे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आ जाना जरूर। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to